रीवा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, 1,500 किसानों के बीच 100 किसानों को मिला खाद टोकन। हंगामे के बीच 3 थानों का पुलिस बल पहुंचा खाद वितरण केंद्र, किसानों ने कालाबाजारी का लगाया आरोप। आपको बता दें कि खाद वितरण को लेकर स्थानीय करैया मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। 1,500 किसानों में मात्र 100 किसानों को ही खाद का टोकन हासिल हुआ। आक्रोशित किसानों ने कहा कि खाद वितरण में जमकर कालाबाजारी हुई और सिर्फ रसूखदारों को ही खाद उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी ओर SDM अनुराग तिवारी ने उक्त सभी आरोपों को खंडित करते हुए कहा कि यहां पर DMO भी है, पुलिस भी लगातार उपलब्ध है, इसलिए जो कालाबाजारी के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निरर्थक है। खाद वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। आपको बता दें कि अच्छी फसल के लिए किसानों को अब खाद चाहिए, लेकिन रीवा जिले में इसका संकट है। सस्ते दर पर मिलने वाली खाद हासिल करने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कृषि उपज मंडी करैया में सुबह से किसानों की लाइन लगी हुई है। खाद के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। काफी मशक्कत के बाद कुछ किसानों को खाद मिली, जबकि कुछ को खाली हाथी लौटना पड़ा। प्रस्तुत है किसानों सहित SDM अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम रमाकांत द्विवेदी है। मैं कल 9:30 बजे यहाँ आया तो केवल 100 टोकन बांटे थे, 4 नंबर था, मुझे टोकन नहीं मिला। फिर पूरा दिन बोले 1 बजे टोकन देंगे, फिर मैं यहीं रहा और फिर 1 बजे टोकन नहीं मिला। रात के 8 बजे तक मैं यहाँ था तो फिर टोकन नहीं दिए, नाम लिखवाए और यहाँ फिर आज 4 बजे से आया हूँ, तो फिर आज हमें टोकन नहीं मिला और न कोई उम्मीद है कि ये टोकन देंगे। और अपने अपने आदमी को, एक पुलिस वाले आए और अपने अपने आदमी को टोकन दे के चले गए और हम लोग अभी आए हैं फिर 4 बजे से। कल शाम से परेशान हूँ मैं, तैयारी कर रहा हूँ ये सारी की प्रयागराज से, तो मैं यहाँ खाद की वजह से परेशान हूँ और खाद नहीं मिल रही, कोई मतलब है यहाँ जो है तो सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ जिसको पाते हैं चार। नाम है, मैं यहाँ सुबह 3 बजे से खड़ा लेटा था बोरा बिछा करके, हम नहीं हमारे साथ हजारों लोग खड़े थे, वो भी पीछे थे। और यहाँ एक पुलिस वाले झलक तिवारी करके नाम है उनका, और वो आए उनको गुरु गुरु बोले और गोड़ो लई परे पत्तान खबाई तो टोकने सब अंगा बांट दिन अपने आदमी का। अब यहाँ मनाई खड़ा भूखा पियासा या सामने देख ली नाश्ता यहाँ आ रहा भूखे पिया, चक्कर मार चुका दुई बे चक्कर मार चुका सुबेरे से भूखे पियासे मनाई खड़ा है। और ये सब पब्लिक लेडीज खड़ी है, लेडीज बिचारी सकारे से ई खुद टोकन नहीं। सर द्विवेदी खराहरी से आए हैं, ग्राम खराहरी पोस्ट तिघरा जिला रीवा मध्य प्रदेश। हम आए हैं रात को 10 बजे, यहाँ मात्र 9 आदमी थे, 10वां हमारा नंबर था, हमको अभी तक टोकन मिला नहीं। साहब लोग बोल दिए कि 150 टोकन बिक गया, किसको दिया किसको नहीं दिए यह मेरे को मालूम नहीं। अभी तक हम ना पानी पिए ना खाना खाए, भूखन के मारे ताता मर रहे हैं, पानी का कुछ नहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की ना खाना की ना। मेरा श्रीमती निर्मला द्विवेदी, 4 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। सभी महिलाएं एवं पुरुष अपना अपना काम छोड़ के आते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, खेत काटने जाते हैं, जिनके पास कुछ किसानी है वो अपना पानी लगवा दिए हैं, दूसरी बार पानी उनके पास सुविधा नहीं है, खाद नहीं दी जाती है, तो उन लोगों के लिए हम तो ये कहते हैं टोकन दिया जाए, नंबर बता दिया जाए कि मतलब इतने नंबर में आज मिलेगी, इतने नंबर में कल मिलेगी, जिससे कि पब्लिक परेशान ना हो और उनका नुकसान भी ना हो, क्योंकि इस समय खेत धान की कटाई चल रही है, पानी की लगवाई जुताई चल रही है, तो इसलिए पब्लिक परेशान है, किसी के बच्चे भूखे हैं, किसी नहीं। ऐसे आरोप गलत हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर DMO भी कल बैठी हैं, पुलिस भी रहती है कंटिन्यू यहाँ पर, तो कोई भी कालाबाजारी जैसी अभी तक जो शिकायत मिल रही है वो सही नहीं है। नहीं, पीछे से स्टॉक निकल ही नहीं सकता, गोडाउन का जो अमला है वो अलग होता है, यहाँ पर जो समिति बांटती है वो अलग है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते।